कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, ये कुछ वो डायलॉग्स हैं जिसे हनुमान जी के मुखारबिंदु से बुलवाया गया। पूरी फिल्म से हनुमान जी का गदा गायब, रावण के माथे से त्रिपुंड गायब, सोने की लंका से सोना गायब, यहां तक कि सारे पात्रों के सिर से मुकुट गायब, माता सीता के सर से आंचल गायब। मतलब 1.5 मिनट के डिस्क्लेमर में ये बोल दो कि फिल्म रामायण से प्रेरित जरूर है, लेकिन फिल्म में फिल्माए गए सीन नाटकीय है और ये फिल्म किसी की भावना को आहत करने की दृष्टि से नहीं बनाई गई। आप कुछ भी बना दोगे। फिल्म में आप त्रेता युग की कहानी को उठाते हैं, जब भारत शब्द का उदय भी नहीं हुआ था, उस वक्त आर्यावर्त हुआ करता था। फिर किस धार्मिक ग्रंथ से प्रेरित होकर आपकी कलम ने भारत की बेटी वाला स्क्रिप्ट लिख डाला? आखिर क्यों आदि पुरुष फिल्म में सड़क चौराहे डायलॉग सिर्फ हिंदी वर्जन में बनाया गया? आखिर क्यों ये फिल्म तेलुगु और दूसरे भाषा के लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन हिंदी भाषी लोगों को ये फिल्म देखने के बाद गुस्सा आ रहा है? पूरी अनबॉक्सिंग सच्चाई के साथ इस फिल्म का रिव्यू दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रिव्यू देते वक्त अगर भाषा की मर्यादा टूट जाए कहीं तो क्षमा कर दीजिए। एक बार एक भिखारी से पूछा कि मान ले तुझे 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो तू क्या करेगा? भिखारी बोला कि एक सोने का कटोरा खरीदूंगा और एक महंगी सी गाड़ी और फिर उस गाड़ी में बैठकर भीख मांगूंगा। वही हाल कुछ हमारे बॉलीवुड वालों का है। आदि पुरुष जिसका भौकाल इतने दिनों से बनाया गया था, वो कल फाइनली बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई और आते ही इसने जो बेड़ा गर्क किया है वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। फिल्म की शुरुआत जब 1.5 मिनट के डिस्क्लेमर से होती तभी समझ आ गया था कि फिल्म का हाल क्या होने वाला है, लेकिन 3 घंटे मैं सिर्फ ये देखने बैठा था कि कराची वुड अपनी नीचता के स्तर से और कितना गिर सकता है। बॉलीवुड को राम नाम से इतनी नफरत है कि पूरी फिल्म में भगवान राम को राघव, माता सीता को जानकी, हनुमान जी को बजरंग और लक्ष्मण जी को शेष नाम दे दी। खैर ये सब नाम भी इन्हीं सब के हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हनुमान जी माता सीता को जानकी कहकर बुलाते हैं? माँ सीता के लिए एक बार भी हनुमान जी माँ शब्द का प्रयोग नहीं करते, यहाँ तक कि जय श्री राम भी उनके मुखारबिंदु से फिल्म में एक बार भी कहीं पर भी नहीं निकला। और सिर्फ हनुमान जी के मुँह से ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म में किसी ने भी जय श्री राम का नारा एक बार भी नहीं लगाया। अब ऐसा क्यों किया गया इसका जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूँ, अभी फिल्म का पूरा रिव्यू सुन लीजिए। तो फिल्म की कहानी कोई नई नहीं थी, सभी को पता था कि फिल्म की कहानी क्या है, लेकिन लोग देखने क्या गए थे? लोग देखने ये गए थे कि 600 करोड़ रुपए में 21वीं सदी में ओम रावत जी ने रामायण को कैसे प्रस्तुत किया है। तो ओम रावत जी ने डिस्क्लेमर में बोल दिया कि वाल्मीकि रामायण से प्रेरित जरूर है, लेकिन फिल्म जो है वो थोड़ा सा नाटकीय है। लेकिन पूरी फिल्म में कहीं पर भी रामायण की थोड़ा सा भी झलक देखने को नहीं मिला। पूरी फिल्म में सभी पात्रों के संवाद गायब, सर से मुकुट गायब, सोने की लंका से सोना गायब, रावण के माथे से त्रिपुंड गायब, लेकिन आंखों में सुरमा पूरी फिल्म में लगा हुआ था। और भाई साहब रावण ने जो टी शर्ट पहना हुआ था ऐसा लग रहा था कि मिंत्रा और अमेजोन पर सेल लगा हुआ था कि भैया 150 रुपये में 3 लेके जाओ। तो भाई जान ने बोला कि यार 2 टी शर्ट में पूरी फिल्म में काम चल जाएगा, 100 रुपये ले ले, 2 टी शर्ट दे दे। फिल्म में हनुमान जी बिना गदा के लंका पार करके चले आते हैं और जो डायलॉग्स बोले गए मजा का ताला गजबे है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। अशोक वाटिका में राक्षस हनुमान जी को बोलते हैं तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया है। हनुमान जी लंका से लौट के आते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि पता लगाए? हनुमान जी कहते हैं कि बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी हम लंका लगा देंगे। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। मेघनाथ से डायलॉग बुलवाया जाता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। और कराची वुड की फिल्म और उर्दू वर्ड न बोला जाए ऐसे कैसे हो सकता है? विभीषण जो लंका में भी रहकर संत वाली जिंदगी जिया करते थे, उनके हाथों में मदिरा का गिलास पकड़वाकर उर्दू में एक डायलॉग बुलवाया जाता है कि आप अपने मौत के लिए कालीन बिछा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से मूर्छा आती है, लेकिन इसमें एक सपोले के डसने से उनको मूर्छा जाती है और फिर उनका इलाज सुषेण वैद्य नहीं बल्कि विभीषण की पत्नी करती है जो विभीषण के साथ ही श्री राम के पास आ जाती है। पूरी फिल्म में माँ जानकी का किरदार कर रही कीर्ति सेनन के सर से पल्लो गायब और रावण जिसकी तरफ माँ सीता ने कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा उससे इस फिल्म में नज़र से नज़र मिलाकर बात करते हुए दिखाया जाता है। अपने स्वामी का नाम लेते हुए दिखाया जाता है जैसे त्रेता युग की माँ सीता नहीं बल्कि एकता कपूर की अगवा की गई सीरियल की कोई हीरोइन बोल रही है कि अपना हृदय अपने पास रख रावण क्योंकि इसमें राघव का तीर घुसने वाला है। सोचिए कितनी सड़क छाप और गंदे डायलॉग्स इस फिल्म में बुलवाए गए हैं। और इस फिल्म का एक सीन अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों का खून खौल उठेगा। फिल्म में हनुमान जी को कुंभकर्ण से मार खाते हुए दिखाया जाता है, वो हनुमान जी जिन्हें अजय होने का वरदान मिला हुआ था, जिनके मुक्के के प्रहार को रावण भी नहीं संभाल पाया था, उन हनुमान जी को
कुंभकर्ण से मार खाते हुए दिखाया जाता है और माता सीता का सर तन से जुदा होते हुए दिखाया जाता है। सोचिए कितनी गंदी मानसिकता, कितनी जिहादी मानसिकता लेके इस फिल्म को बनाया गया। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि गुरु आपको तो हमेशा बॉलीवुड की फिल्मों में बुराई नजर ही आती है, क्या इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं था? प्रभास के अलावा इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन उनके अंदर का बाहुबली भी आधे से ज्यादा फिल्मों में बाहर निकल कर आ जाता है, खासकर जब फिल्म में युद्ध का सीन दिखाया जा रहा था। त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग, रामायण का युद्ध या फिर महाभारत, युद्ध का एक नियम होता था कि सैनिक की लड़ाई सैनिक से होगी, सेनापति सिर्फ सेनापति से लड़ाई करेगा और राजा की लड़ाई सिर्फ राजा से होगी। लेकिन यह भगवान राम को सैनिकों से बाहुबली की स्टाइल में लड़ते हुए दिखाया जाता और उनके द्वारा बुलवाए गए डायलॉग्स कुछ इस तरह से हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने को विवश हूं। कहानियां त्रेता युग की दिखाते हैं जब भारत शब्द का उदय भी नहीं हुआ था। आज के भारत को उस वक्त आर्यवर्त कहा जाता था। भारत नाम राजा भरत के आने के बाद पड़ा, जो महाभारत के बाद आए थे। तो किस आधार पर भगवान श्री राम बने प्रभास से ये डायलॉग्स बुलवाए जाते हैं कि भारत की बेटी के लिए लड़ना? अब आप लोग सोचिए, क्या आर्यवर्त की जगह भारत शब्द का प्रयोग करके आज की जनरेशन को हमारे सच्चे इतिहास से भटकाने का प्रयास नहीं किया गया है? बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों बॉलीवुड राम नाम से इतनी नफरत करता है और रामायण जैसी फिल्में भी जय श्री राम बोलने से घबराता है, और क्यों हिंदी वर्जन में इतने गंदे डायलॉग्स बोले गए, क्या है इसके पीछे साजिश, आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 2 में। पिछले 2-3 सालों में अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दर्शकों पर नजर डालें तो लोगों में साउथ की फिल्मों की तरफ रुझान ज़्यादा देखने को मिला है। एक तरफ जहां बॉलीवुड अपनी कॉपी पेस्ट की दुकान से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था, तो वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री RRR और कंतारा जैसी फिल्में बना रहा था। इसका असर ये हुआ कि नॉर्थ इंडिया की पब्लिक भी लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर साउथ की फिल्मों को देखने लगी। RRR, कंतारा और कार्तिकी 2 जैसी फिल्में जिसमें सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को बड़े पर्दे पर दिखाया गया, जिससे नॉर्थ और साउथ की जनता पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है। ऐसे में वो बॉलीवुड जिसने हमेशा साउथ और नॉर्थ की पब्लिक को तोड़कर रखा, यहाँ तक कि अपनी फिल्मों में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, दलितवाद का एंगल डालकर हिंदुओं को हिंदुओं से अलग करता रहा, वो इस बात को कैसे बर्दाश्त करता? और इसीलिए बॉलीवुड आदि पुरुष के नाम पर ऐसी फिल्म बनाता है जहाँ आज हिंदू एक बार फिर से हिंदू से बट गया। कल रात मैंने थिएटर में देखा कि 3 घंटे तक पूरी पब्लिक शांत बैठी फिल्म देख रही है, एक बार भी किसी ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। और जब मैंने पब्लिक का रिव्यू लिया तो बहुत सारे लोगों को फीडबैक आया कि फिल्म है एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं, और ये सारे लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, ये लिंक है देख लीजिएगा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद ना तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और ना ही रामचरितमानस। मैं उनके ज्ञान पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3 घंटे भगवान राम को एज अ सुपर हीरो देखने के बजाय आधा घंटा सिर्फ रामचरितमानस घर पर पढ़ लेते तो शायद इस कार्टून फिल्म को आप अच्छा नहीं कहते। खैर, ओम रावत के आदि पुरुष की बात करें तो इन्होंने फिल्म बनाकर न सिर्फ साउथ और नॉर्थ की पब्लिक को एक बार फिर से बांटने का काम किया है, बल्कि हिंदुओं को भी हिंदुओं से अलग करने का जघन अपराध किया है। क्योंकि साउथ में जो दूसरी भाषा में फिल्म बनी है उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन हिंदी वर्जन में जो इन्होंने काम किया है उसका फीडबैक सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही रहे हैं। ముందు ట్రైలర్లు టీజర్లు రాగానే అది ఇది చెప్పేద్దాం, ట్రోల్ చేద్దాం, ఇవి అని చేయకండి. ఫస్ట్ వచ్చి చూడండి ఆ బడ్జెట్కి, అవన్నీ ఆ 3D ఎఫెక్ట్స్, అవన్నీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ బాగున్నాయి. ఇలా నెగటివ్ రివ్యూస్, ఇవన్నీ పబ్లిసిటీ, ఇవన్నీ చేయకండి అన్న. और सोशल मीडिया पर भी कुछ हिंदू इसके सपोर्ट में खड़े हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड वालों आखिर कहाँ से लाते हो इतनी बेशर्मी आप लोग? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो मुंबई के किसी गटर में जाकर डूब मरो, क्योंकि ये फिल्म नहीं बनाया आप लोगों ने, एक अक्षम अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध, जिसके लिए भगवान राम तो हो सकता है आप लोगों को कभी क्षमा भी कर दें, लेकिन हनुमान जी कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। और मेरी शिकायत ना तो ओम रावत से है, ना ही सैफ अली खान से और ना ही प्रभास से, मेरी शिकायत है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी से, जो खुद को इस समय सनातन का सबसे बड़ा योद्धा कहते हैं, और ये शिकायत जिंदगी भर रहेगी क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम की छवि को खराब करने में उस इंडस्ट्री का साथ दिया है जो एक जमाने से प्रभु श्री राम का नाम साजिशन खराब करते आ रहा है। बाकी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इन सब पर आप लोगों की क्या राय है? अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो कैसी लगी, और नहीं देखी है तो देखने की जरूरत भी नहीं है। पैसे और समय बचाकर अपने धर्म और सनातन की रक्षा करें, क्योंकि आप अगर अपने धर्म को नहीं जानेंगे, आप अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो बॉलीवुड वाले और बाकी लोग
ऐसे ही आप लोगों को अधर्म सिखाकर चले जाएंगे। वीडियो को शेयर लाइक करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी आवाज़ को मजबूत करते रहा करें। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।